नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कांग्रेस नेता और शिवसेना विधायक घनश्याम सिंह ने पूर्व मंत्री महेंद्र बोध पर बड़ा हमला बोला है। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए सिंह ने कहा कि भांडेर के वरिष्ठ नेता प्रदेश महासचिव कांग्रेस अरुण कुमार उर्फ अन्नू भारती पर थाना भांडेर में धारा 420 का धोखाधड़ी का जो मामला दर्ज किया है वह भाजपा और पूर्व मंत्री महेंद्र बोध का षड्यंत्र है। अन्नू भारती टिकट के दावेदार थे, टिकट न मिलने पर भी कांग्रेस का कार्य कर रहे थे, इसलिए भाजपा ने षड्यंत्र रचा और महेंद्र बोध और मामले में फरियादी गणाराम यादव केवल भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। सेवड़ा विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि अन्नू भारती पर झूठा जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लेने पर जो मुकदमा लगाया है वह बनता ही नहीं है और पुलिस प्रशासन ने बगैर जांच के मुकदमा दबाव में दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि महेंद्र बोध भाजपा के इशारों पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें भांडेर में बसपा से जो टिकट मिला है वह भाजपा के कारण ही मिला है। संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। मेरा कहना है कि अभी अंतिम निराकरण उसका नहीं हुआ है क्योंकि हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है। दूसरी बात, 9/10/2020 को महेंद्र बोध जी के निजी सचिव लॉज कराई भांडेर थाने में और ये FIR की नकल है। इसमें तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के और उनके ऊपर आवेदन दिया कि उनके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम किया जाए और पुलिस ने बिना दिमाग लगाए बिना विचार किए तत्काल केस रजिस्टर कर दिया। मेरा ये आरोप है इसमें 420 तो बनता ही नहीं है और तत्काल एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ ये जनरल आदिम जाति कल्याण विभाग के भी निर्देश हैं, भारत सरकार के निर्देश हैं, अनुसूचित जाति आयोगों के भी निर्देश हैं कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई FIR होती है, कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें प्रारंभिक जाँच कर ली जाए तब FIR दर्ज, बिना जांच के तत्काल FIR दर्ज न की जाए। तो इसका भी स्पष्ट उल्लंघन किया गया और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि तत्काल FIR दर्ज की गई इसका मतलब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन का इसमें हाथ है। उनसे महेंद्र बोध जी की उनसे बातचीत है, तालमेल है, नहीं तो महेंद्र बोध जी तो प्रयास कर रहे थे पिछले 3-4 साल से ये जाति प्रमाण पत्र उनका निरस्त कराने के बाद भी कई बार आवेदन दिला चुके थे कि FIR लॉन्च की जाए लेकिन FIR नहीं हुई। इसी तरह डॉक्टर संतराम सिरोनिया के खिलाफ भी उन्होंने जाति प्रमाण पत्र निरस्त कराया था और FIR लॉन्च करा दी थी, वो FIR हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी। ये उदाहरण भी है, सिमिलर केस है, हाईकोर्ट ने निरस्त भी कर दी थी, उसके बावजूद भी तत्काल FIR होना इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की और मैं तो कहूँगा गृह मंत्री जी का उसमें पूरा पूरा हाथ था कि तत्काल किया जाए। इससे एक तालमेल स्पष्ट होता है कि महेंद्र बोध जी तो जो कर रहे हैं वो कठपुतली हैं, मध्य प्रदेश की सरकार से मिले हुए हैं, गृह मंत्री जी की एक कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। वो चुनाव जो लड़े BSP के टिकट से वो भी मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी और मंत्री जी के इशारे पर लड़ रहे हैं, उनका स्वयं का कोई निर्णय नहीं है। और मेरा तो आरोप है कि पूरी आशंका है, जनचर्चा है कि उनको चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। ये तो एक राजनीतिक पक्ष है। दूसरा कानूनी बात है, 420 ये पूरा ये आवेदन SP को दिया है इनने अन्नू भारती ने, उसमें तमाम कानूनी बातें स्पष्ट लिखी हुई हैं कि 420 के लिए स्पष्ट है कानून में कि छल और बेईमानी दो चीज आवश्यक होती है, छल बेईमानी और प्रवंचना, इन तीन चीजों का कहीं भी उसमें वो नहीं है। उनमें जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है अन्नू भारती का, ये मूल निवासी प्रमाण पत्र उनने अन्नू भारती ने बनवाया था, इसमें एक भी बात गलत हो तो आप बताइए। इसमें ये लिखा है मूल निवासी प्रमाण पत्र में कि ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, ये जो प्रमाणकर्ता तहसीलदार ने किया है, क्योंकि क्योंकि उसमें पॉइंट होते हैं, प्रोफॉर्मा होता है, उसमें टिक लगाना पड़ता है। पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, सही है, अन्नू भारती मध्य प्रदेश में भांडेर में पैदा हुए हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र भी है। नंबर दो, उसका पालक, उसके पालक द्वय अभिभावक मध्य प्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हैं।